आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन अचारी कीमे की रेसिपी। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। अचारी मटन कीमा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 kg मटन का कीमा लिया है, जिसको हमने थोड़ा फैट के साथ दिया है। इसको फैट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको हमने अच्छे से वॉश करके इसका पानी को हमने ड्राई कर लिया है। इसको आप एक स्ट्रेनर में रख दीजिए, जितना हो सके उसका पानी आप इसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद इसको सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 teaspoon इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देना है। यहाँ पे हम 1 spoon जो है इसमें नमक डाल देंगे, 1 teaspoon इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 teaspoon इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 teaspoon इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 teaspoon अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही इसमें हम 2 tablespoon दही डाल देंगे। दही डाल देना है, डालने के बाद हमें इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम जो है 1/2 घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो जा रहा है तो आप इसको जो है फ्रीज में रख दीजिए मैरिनेट करके, लेकिन आप 1/2 घंटे कम से कम इसको मैरिनेट करिए तो ये बहुत ही अच्छे एकदम जो है बन के तैयार होता है, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको जो है हम ढक के, अब देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम 1/2 घंटे के लिए इसी तरह से रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा कीमा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम एक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम 2 tablespoon साबुत धनिया ले लेंगे, डाल देना है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 teaspoon सौंफ ले लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें 1 teaspoon ज़ीरा ले लेंगे। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। इसकी जगह पे आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले सकती हैं। हमारी मिर्चें बहुत तीखी वाली इसलिए हमने 2 ली हैं। अगर आपकी कम है तो आप और भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिए। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो साबुत ले लीजिए। इसी के साथ ही हम 1/2 teaspoon इसमें मेथी दाना डाल देंगे और इसी के साथ ही इसमें 1/2 teaspoon हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से भून लेना है, बस इसमें से एक अच्छी सी सौंधी से खुशबू आने लगे। हमें इसका कलर नहीं बदलना है, हमें इसको कलर बदलने तक के नहीं पकाना है, बस इसको एक अच्छी सी सौंधी से खुशबू देने तक के हमें इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी हल्की हल्की। इसी के साथ ही हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इधर हमारे सभी मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमने मसालों को चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के इसको दरदरा से हम कूट लेंगे। हमें इसका एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहें तो इसको खल वगैरह में डाल के भी इसको कूट सकते हैं या फिर ग्राइंडर जार में डाल के बस इसको आप 1 से 2 सेकंड के लिए चलाइए और ये दरदरा सा रहे, इसके मसाले वगैरह जो है चंक्स जो है वो पता चलते रहे, बस हमें इसको इतना दरदरा सा ही कूटना है। इधर आप सेक सकते हैं, हमने इस तरह से मसालों को दरदरा सा कूट लिया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसके चंक्स वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से पता चल रहा है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम यहाँ पे 2 से 3 tablespoon मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आपके पास जो तेल अवेलेबल हो आप उसको डाल दीजिए, पर मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही मज़े का ही लगता है। और इसी के साथ ही इसमें हम यहाँ पे 1 नींबू का रस डाल देंगे। स्पून से आप लेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 tablespoon हमें यहाँ पे नींबू का रस डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। यहाँ पे 1/2 teaspoon कितना हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जिस हिसाब से आपका मसाला उस हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने 1/2 teaspoon डाला है। डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा आप नमक नहीं डालिएगा क्योंकि हमने कीमा मैरिनेट करते हुए भी उसमें नमक डाल रखा है। देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें से हम 2 tablespoon मसाले को निकाल लेंगे और निकाल के हम साइड कर देंगे इस तरह से, और जो हमारे मसाले बाकी बचे हैं उसको इसी तरह से रख देंगे। हम आगे बताते हैं इसका हमें क्या करना है। आप चाहें तो ये मसाला इस तरह से बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप बाहर इसको रख के जो है 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज में रखेंगे तो 3 से 4 महीने तक के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब आगे तैयारी करते हैं। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हमने 6 से 7 tablespoon ऑयल डाल दिया है। तेल आप अपने हिसाब से डालिए, यहाँ पे हमने तेल थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि हमारे कीमे में भी फैट था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसी के साथ यहाँ पे हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे कुछ हमने जो है खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हमने लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची ली है। डाल देना है, डाल के सभी को हमें अच्छे से तेल में पका लेना है।
सभी चीज़ें हमारे तेल में अच्छे से पक जाएंगी। इसी के साथ ही इसमें हम यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसको बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, चाहे अब इसका पेस्ट डाल दीजिए, चाहे अब इसको इस तरह से चॉप करके भी डाल दीजिए। डाल के हमें इसको अच्छे से भून लेना है, हमारा अदरक लहसुन अच्छे से तेल में भून गया। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पे हम 3 मीडियम साइज की प्याज लिया है, जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक एकदम चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम महीन से चॉप कर लीजिएगा। चॉप करके आप इसको डाल दीजिए, डाल के इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक ये हमारी एकदम गोल्डन कलर की नहीं आती तब तक हम इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू हाई कर रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इधर हमने प्याज को पिंक होते तक के पका लिया, आप देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज को और फ्राई नहीं करना है, बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना था। अब हमने जो अपना कीमे को मैरिनेट करके रखा था, हमें उसको इसमें डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से ये मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। इधर हमने हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक के अच्छे से कीमे को भून लिया। आप देख सकते हैं फ्लेम को यहाँ पे हमने एकदम हाई कर लिया था और प्याज वगैरह के साथ इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया। इसको चलाते हुए हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसको फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 10 मिनट तक के पका लेंगे, ताकि हमारा कीमा अच्छे से जो है पक जाए, अच्छे से गल जाए। अगर आपको जल्दी ज़्यादा जल्दी आप पकाने की आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कुकर नहीं पका सकते हैं, 1 सीटी लगा के आपका बहुत जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगा। अब इसको हम 10 मिनट बाद देखते हैं। जब तक हमारा कीमा बन रहा है तब तक हम इसकी मिर्ची की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं, जिसको हमें इस तरह से 20 से कट लगा लेना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी ले सकती हैं, जितना आप खाना पसंद करती हैं आप उस हिसाब से ले सकती हैं। यहाँ पे हमने हरी जो है 5 मिर्ची ली हैं। यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्ची ली जाती है, मेरे पास यही वाली अवेलेबल थी, हमने यही वाली ली है। अब इसमें से हमें इसको इस तरह से कट करते हुए हमें सभी में के जो है इस तरह से बीजों को बाहर निकाल लेना है। बस इसमें के बीज इस तरह से आप चक्कू की मदद से बाहर निकाल लीजिए। सभी मिर्चों को इस तरह से चीरा लगाते हुए इसको देखिए हमने इस तरह से बीज निकाल लिया है। अगर आपके बीज ज़्यादा तीखे ना हो तो आप ना भी निकालें इसी तरह से। और फिर जो हमने अपने मसाले को बना के रखा था, हमें उस मसाले को इसमें जो है इसी तरह से इसमें भर लेना है। इसी तरह से आप खाते हुए इसको अच्छे से मसाले को मिर्चों में भर लीजिए। और बहुत ही अच्छे से भरिएगा, मज़े से भरिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये मिर्चें खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से हमें मिर्चों को जो है भर लेना है। इसी तरह से हमें सभी मिर्चें भर के तैयार कर लेनी है। इधर हमने सभी मिर्चों को इसी तरह से तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं हमने सभी मसालों को इसी तरह से भर लिया है। खूब अच्छे से मसालों को भर लीजिएगा तो ये बहुत ही मज़े की मिर्ची लगती है खाने में। अब इसको हम साइड रख देते हैं, चलिए देखते हैं हमारे कीमे का क्या हाल है। इधर हमारे कीमे को पकते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा कीमा एकदम पक चुका है। इसका पानी भी एकदम ड्राई हो चुका है और ये एकदम बहुत अच्छे से गल भी चुका है। हम जो है इसको एकदम बहुत अच्छे से भून गया, इसमें से तेल भी छूट गया है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए थे, जिसको हमने गैंडा जार में डाल के इसको अच्छे से चला दिया था। हमने इसका फाइन पेस्ट नहीं तैयार किया, इसको बस हमने हल्का सा दरदरा सा इसका पेस्ट बना लिया था। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना, मिक्स करके हम इसको फिर से कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको 3 से 4 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि हमारे टमाटर में जो तेल वगैरह है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए और अच्छे से हमारा कीमा जो है और जो है सॉफ्ट हो जाए और भून जाए। इसलिए हम इसको जो है 3 से 4 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से पका लेंगे। इधर हमारा कीमा पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह एकदम सॉफ्ट हो गया और हमारा कीमा भी बहुत अच्छे से भून गया है। अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसमें कोई स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं, इसलिए इसकी स्मेल जो है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। जो नहीं खाता होगा वो भी आपका कीमा खा लेगा। इसी के साथ ही यहाँ पे 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी हमें कोई ग्रेवी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बस हमें इसको थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूखा हो जाता है, इसलिए हल्का सा इसको पानी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 कप पानी डाल दिया। अगर आवाज इसमें और डालना चाहती है तो आप और भी डाल सकती हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पे 1 नींबू का रस डाल देंगे। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे जो मसाला बनाया था और 2 टेबल स्पून निकाल के रखा था, हमें उसको डाल देना है। ये मसाला आप बाद में ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप इस मसाले को पहले मत डालिएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमें ढेर सारा हरा धनिया इसमें डाल देना है। यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी के हरा धनिया लिया है। डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से चला लेना है। इसी तरह से आप अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इधर हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिला दिया। फ्लेम को हमने जो है मीडियम टू अभी भी रखा हुआ है, मीडियम टू लो ही फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। हम इसको फ्लेम को हाई नहीं करेंगे।
अब ज़रा हाई फ्लेम पे इसको पका देंगे, तो जिसमें मसाले आपने डाले उसकी खुशबू वगैरह एकदम चली जाती है, तो फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको जो है 2 से 2.5 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। इधर हमारे कीमे को पकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार जैसी एकदम खुशबू आ रही है, और हमारा कीमा भी एकदम पक के एकदम तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसको पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चपाती रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन में हमने यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आप तेल कोई सा भी दे सकते हैं, तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसमें जो हमने अपनी मिर्चियों में मसाला भर के रखा था, हमें उसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। फैला के हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम हाई फ्लेम करते हुए इसको हमें पका लेना है, मिर्चियों का कलर बदलते हुए और मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इसको नहीं पकाइएगा, इस तरह से दे सकते हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से इस तरह से पका लेना है, ऐसे जब तक कलर जो है चेंज नहीं हो जाता है और हमारी मिर्चियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। जितनी मिर्चियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी उतनी ये खाने में अच्छी लगेंगी और इसके तेल में भी इसका फ्लेवर उतर जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी मिर्चियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं अब ये सफ़ेद हो गया। जब ये सफ़ेद होने लगती हैं, फ्लेम को हमने मीडियम लो हाई करते हुए इसको पकाया था और ये बहुत अच्छे से अब पक चुकी हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और हम चलिए कीमे को सर्व कर लेते हैं। इधर हमारा मटन अचारी कीमा एकदम तैयार है, आप इसको इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। अब जो आपने हरी मिर्चों को बना के रखा है उसको आप इसी के ऊपर इसी तरह से रख दीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस मिर्ची को लगा के कीमे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको रोटी पराठे के साथ किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की ये बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, आपने देखा हो कितनी आसानी से बनके तैयार होता है, जितनी देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है।